बढ़ जा रहा है, लेकिन कोई यहाँ तो स्प्लेंडर प्लस भारी पड़ रहा है। ये देखिए आगे खींच के सुपर एच डिलक्स। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करवाते हैं हम दो बाइकों के बीच में रेसिंग। ये दोनों हीरो की बाइकें हैं, एक स्प्लेंडर प्लस है और एक एचएफ डिलक्स है। तो आज देखते हैं, यहाँ पे दो बाइक रेसर आ चुके हैं फील्ड में और यहाँ पे रेसिंग स्टार्ट है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि देखते हैं ये क्या है, इस बाइक के बारे में बताते हैं और किसकी पावर ज़्यादा है, आज ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों हम इनसे पूछते हैं। तो बताइए, ये हमारे साथ अमित ओझा जी जुड़ चुके हैं और ये अंकित ओझा जी हैं। ये देखिए दोनों लोग आज आपको बताएंगे इसके बारे में और यहाँ देखते हैं, आइए आपसे मिलाते हैं। तो दोस्तों अब इन बाइकों के बीच हम रेसिंग करवाने जा रहे हैं, अब देखते हैं ये लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें किसकी पावर सबसे अधिक है, आज ये आपको हम दिखाते हैं। ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लेके कौन अपने सबसे पहले लक्ष्य तक पहुंच के वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो आइए अब ये बाइक स्टार्ट होने जा रही है रेसिंग, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अब देखिए ये इनके बीच स्टार्ट है, तो चलिए अब देखते हैं आगे आ जाइए। बाइकें आ चुकी हैं, ये आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कि ये हीरो एचएफ डिलक्स और स्प्लेंडर प्लस के बीच रेसिंग हुआ है, लेकिन ये दिखने में साफ साफ आपको नजर आया होगा कि स्प्लेंडर प्लस जीत चुकी है। यहाँ पे एचएफ डिलक्स की पावर थोड़ी सी कम है, लेकिन ये गाड़ी भी मैटर रखता है, पहले ये 10 साल पुरानी और ये अभी 2-4 साल पुरानी। अगर नई बाइक रहती दोनों तो हम इसका अंदाज लगा सकते थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। जो भी बाइकें हैं ये आपके सामने हैं, ये आपको दिख गई होंगी, इसमें स्प्लेंडर प्लस का थोड़ा सा पावर आपको ज़्यादा दिखने को है। बाकी आगे एक बार अभी हम दोनों को एक साथ बांध करके गाड़ी आगे चलवाते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी ये आपको आगे गाड़ी बढ़ने वाली है, तब दिखाते हैं आपको आगे का लुक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब असली गाड़ी की क्या पावर है ये अब आपको हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे दोनों गाड़ियों को यहाँ पे ये बांधने में लगे हुए हैं बाइक रेसर। ये देखिए हीरो एचएफ डिलक्स है और ये हीरो स्प्लेंडर प्लस, आज ये पता चलेगा कि किसके इंजन में कितना पावर है, ये आज आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए दोनों बाइक रेसर इस पे काफी अधिक लगे हुए हैं, इनको भी काफी इस समय से इस चीज का इंतजार था, ये भी आज देखने में लगे हैं कि क्या इसमें किसकी पावर ज्यादा है, किस इंजन की। ये देखिए बांध रहे हैं, ये हमारे साथ अमित ओझा जी हैं। अमित ओझा जी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो काफी आज बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज देखते हैं कि आज कितना किस्मत दम है, तो आइए आपके सामने। अंकित ओझा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? चलिए ठीक है, तो ये दोनों लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं यहाँ पे और ये अब अपना अपना बाइक स्टार्ट करके ये आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये अपना इधर बाइक लेके जाएंगे, ये अपना आगे अपने बाइक लेके जाएंगे। ये दोनों लोगों के सामने हम देखते हैं, ये देखिए सीधा लगा रहे हैं यहाँ पे बाइक से, यहाँ से स्टार्टिंग होगा, यहाँ पे सीधे दोनों बाइकों के बीच में रस्सी भी काफी मजबूत दिख रही है, तो इसलिए टूटने के कोई भी चांसेस नहीं है। आज पूरा एकदम पता चल जाएगा कि किसके इंजन में कितना पावर है। तो दोस्तों अब ये बाइक स्टार्ट होने जा रही है, आप भी इस चीज को आज जान पाएंगे कि किस इंजन में कितना पावर है, इससे आपको आज अंदाजा लग जाएगा बहुत ही अच्छा खासा। अब ये देखिए दोनों लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि अब स्टार्ट करके बाइक को आगे बढ़ा के दिखाया जाए, क्योंकि दर्शक काफी देरी से इंतजार में लगे हुए थे। तो आइए दोस्तों आप देखिए आगे। डिलक्स
बीच। ये देखिए दोनों का पहिया आगे बढ़ जा रहा है, लेकिन कोई यहाँ तो स्प्लेंडर प्लस भारी पड़ रहा है। ये देखिए आगे खींच के इस ऊपर एचएफ डीलक्स को पीछे कर दी है। यहाँ इसे साफ नजर आता है कि एचएफ डीलक्स से कहीं ना कहीं ज्यादा पावर स्प्लेंडर प्लस में है, ये प्रूफ हो चुका है। तो दोस्तों ये चीज आप आज देख लिए हैं, काफी मजा आपको आया होगा। ये देखिए दोनों दर्शक इसे आगे पीछे गाड़ी कर रहे हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस इंजन में कितना पावर है, ये आज आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि साफ साफ ये रसिक टूटी नहीं, दोनों गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे लेकिन बढ़ नहीं पाया है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे और भी आपको मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि एक बाइक पे दो लोग अगर बैठ रहे हैं तो उसके बाद से किस बाइक में कितनी क्षमता है कि वो आगे खींच के ले जाएगी दूसरी बाइक को। अभी हमारे पास एक लल्ला छोटा सा बच्चा है जो कि हम अमित ओझा के बाइक पे बैठाएंगे, हीरो एचएफ डीलक्स वाले बाइक पे। लल्लन जी बाइक पे आप बैठिए। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या स्प्लेंडर प्लस की क्षमता अभी भी इतना वो है कि ये हीरो एचएफ डीलक्स को पीछे खींच सकती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए ये कौन सी बाइक किसको आगे पीछे खींचती है। तो स्टार्ट हो गया है, आप देखिए। चलिए दोस्तों बढ़िए आगे, ये देखिए काफी अधिक एक्साइटेड दृश्य है। एचएफ डीलक्स का पावर काफी अधिक है, असली पावर अब दिखने को मिल रहा है। रियलिटी में देखिए दोस्तों असली पावर यही कहते हैं, अभी बाप बाप होता है। ये देखिए स्प्लेंडर प्लस को खींच लाया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बाइक की रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये दोनों बाइक रेसर काफी अधिक स्ट्रगल के बाद ये अब खड़े हो चुके हैं। आज पता भी चल चुका है हमें कि किसकी इंजन की पावर कितनी है। तो हम इनसे आगे मिलवाते हैं आपको और इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा अनुभव लगा बाइक रेस करके, क्योंकि असली फील इन्हीं को आया होगा कि ये गाड़ी अगर आगे पीछे लेके भगाए हैं, बाइक रेसिंग किए हैं, इनके इंजन की क्षमता को देखे हैं, तो असली पता इन्हीं को चला होगा। क्योंकि आपने वीडियो के दौरान देखा भी होगा कि बाइक लेके काफ़ी अधिक स्ट्रगल के बाद कोई एक बार वो गिरे थे, एक बार ये गिरे थे। तो इसलिए हम इनसे आइए पूछते हैं कि इनको कैसा फील लगा, कहीं इनको चोट तो नहीं आई। बाकी आइए इनसे मिलने के बाद आपको हम दिखाते हैं। तो अमित ओझा जी बताइए आपको कैसा लगा कि किस गाड़ी में कितना दम है, ये तो आपको फील आ ही गया होगा क्योंकि आप देखे हैं वीडियो के दौरान आप बहुत ही अधिक स्ट्रगल के बाद आप गिर भी गए थे, कुछ ज्यादा ही आपको हो गई, कहीं चोट तो नहीं आई आपको? चोट तो नहीं लगी है, पहला बार जो बहुत ही अच्छा लगा हमको। और हम बताएंगे आपको कि अगर सबसे ज्यादा क्षमता जो है दोनों बाइक की जो क्षमता है एक ही है, क्योंकि एक बार वो बाइक गिरी, एक बार हम गिरे और हमारे पीछे एक बच्चा बैठा था, जो कि बच्चा बैठने के बाद ये गाड़ी कुछ आगे बढ़ी, वो पीछे आने। हाँ, जैसा कि हम देख रहे थे कि एक लोगों के बैठाने के बाद से भी ये बाइक काफी अधिक स्ट्रगल के बाद इसको खींचते हुए आगे ला रही थी, ये आप लोग भी देखे होंगे। तो ये बात बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि दोनों की क्षमता जो हम कहेंगे कि इक्वली है, कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा और अधिक है। वो तो डिसबैलेंस की वजह से ये बाइक लेके गिर गए थे, उस बात को तो साइड में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए एक तरह से तो दोनों की इक्वली क्षमता है, क्योंकि दोनों ही 97 cc की गाड़ियाँ हैं। और ये बात है कि वो BS6 गाड़ी है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी उसका अधिक है, बाकी ये जो है थोड़ा सा BS4 कैटेगरी में आता है। तो ये भी बात मैटर रखता है, इंजन में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ये आपके सामने दिखा भी होगा कि इन दोनों बाइकों की क्षमता जो है एक हिसाब में इक्वल ही है। तो आज के बाइक रेसिंग में आपको कैसा फील आ रहा है? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? तो दोस्तों इन लोगों को काफ़ी अधिक इन्जॉय भी हुआ है। ये दोस्त आगे भी ऐसे आपको ब्लॉग आते रहेंगे ऐसे। अभी आज आपको हम हीरो की बाइक को दिखाए हैं, आने वाले समय में हम ऐसे जैसे जैसे आप देखने का इंटरेस्ट आपको देखेंगे, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, हम और भी अधिक बाइकों का रेसिंग और उनके इंजन की क्षमता को आपको दिखाएंगे और कैसे रेसिंग किस इंजन में कितनी पावर है, बजाज की गाड़ियों में और भी बाइकों में हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आगे की रेसिंग को देखने के लिए। और तब तक के लिए चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी अधिक मेहनत करते हैं, तो हमारे
ये देखे, ये बता रहे हैं, ये होता है असली दम। ये बाइक रेसिंग के बाद से ये दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे खून में होता है टाइटेनियम। इसका मतलब ये है कि काफ़ी अधिक एनर्जी इनके अंदर है और ये इससे पता चलता है कि आगे और भी सारे अधिक बाइक रेसिंग के वीडियो आपके सामने आने वाला है। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे देखते रहें और इसको अधिक से अधिक लोगों को दोस्तों आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, हमारे चैनल को प्रमोट करवाइए। बाकी हम आपके साथ हमेशा है दोस्तों, ऐसे नई नई रेसिंग आपको दिखाएंगे जैसा कि आज आप देख चुके हैं। तब तक के लिए दोस्तों हम चलते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सब्बा खैर।